संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सीएसई 2023 परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की मार्कशीट जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में योग्य घोषित किया गया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अंकों की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में उम्मीदवार द्वारा हासिल लिखित परीक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व परीक्षण के अंक भी शामिल हैं। इस साल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं समूह ए और समूह बी में नियुक्ति के लिए कुल 1016 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। 355 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अनंतिम रखा गया है। आयोग द्वारा जारी मार्कशीट के अनुसार परीक्षा में टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने 1099 अंक हासिल किए। उन्होंने लिखित परीक्षा में 899 और व्यक्तित्व परीक्षण में 200 अंक प्राप्त किए। वहीं महिलाओं में टॉपर डोनुरु अनन्या रेड्डी ने लिखित परीक्षा में 875 और व्यक्तित्व परीक्षण में 190 अंक हासिल किए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 28 मई 2023 को आयोजित की गई थी। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार जनवरी अप्रैल 2024 में आयोजित किए गए थे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंक तालिका की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यूपीएससी ने 16 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कुल 1016 उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई थी। इस साल यूपीएससी फाइनल रिजल्ट में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस वर्ग से इस परीक्षा में कितने उम्मीदवार पास हुए हैं। यूपीएससी में सफलता पाने वाले 1016 उम्मीदवारों में 347 सामान्य वर्ग से हैं, 115 EWS, 303 अन्य पिछड़ा वर्ग, 165 अनुसूचित जाति और 86 अनुसूचित जनजाति वर्ग से कैंडिडेट हैं। इस बार IAS सेवा के लिए 180 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिसमें 73 सामान्य वर्ग, 17 EWS, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग, 27 अनुसूचित जाति और 14 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। ऐसे ही IFS सेवा के लिए 37 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिसमें 16 सामान्य वर्ग से हैं, 4 EWS हैं, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 5 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। IPS सेवा के लिए 200 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिसमें 80 सामान्य वर्ग से, 20 EWS से, 55 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 32 अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। वहीं यूपीएससी की ओर से जारी परिणामों में सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के लिए कुल 613 और ग्रुप बी सर्विस के लिए 113 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। फिलहाल यूपीएससी ने सभी कैंडिडेट्स की मार्कशीट जारी कर दी है, जो कि यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। www.amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।